नमस्कार, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं प्रेमव्रत सिंह जी खिलचीपुर से। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अब आप विपक्ष में बैठने की तैयारी कर रहे हैं क्या? तो विपक्ष में ही तो बैठ गए हैं, वो तो तैयारी की क्या होगा, बचा क्या है उसमें, क्या कमी रह गई चुनाव का? देखिए, चुनाव हारने में कमी कुछ नहीं रही, सब कांग्रेस के हर कार्यकर्ता ने, नेता ने, कैंडिडेट ने, प्रदेश के नेता ने, देश के नेता ने, सब ने अपना प्रयास किया। जनता ने जो फैसला किया है उसको स्वीकार की करना और अपनी भूमिका और अपनी स्ट्रेटजी रीअलाइन करके जो हमारी विचारधारा है, सभी लोगों को साथ चलने की, समता की, धर्मनिरपेक्षता की, उसको जनता के बीच में और मजबूती से पहुंचाना, यही हम लोगों के लक्ष्य होने चाहिए। कहीं ना कहीं देरी हो गई उम्मीदवारों के चयन में, इस कारण जनता के बीच में उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाए? ये बात कुछ हमारे साथियों ने कही है, ये बात कि उम्मीदवार चयन थोड़ी जल्दी होने चाहिए। कमलनाथ जी ने आश्वस्त भी किया है कि अब लोकसभा चुनाव में जल्दी करने का प्रयास भी कर। मैनेजमेंट के बारे में क्या कहेंगे, थोड़ा मैनेजमेंट भी ऊपर नीचे दिखा? नहीं, मैनेजमेंट तो सब ठीक है। मैंने कहा ना, आपसे कैंडिडेट से लेकर कार्यकर्ता से लेकर प्रदेश के नेता टीम से लेकर देश की टीम तक सभी ने अपना प्रयास किया। एक मिनट, आपके चुनाव हारने से और भाजपा के चुनाव जीतने से जिनको उम्मीद थी पेंशन बढ़ाने की, वो तो टूट गई है ना? इसके लिए आप अब क्या अभी भी प्रयास करेंगे? कांग्रेस अपने हर मुद्दे पे डटी हुई है, जितनी भी पोल प्रोमिसेस कमलनाथ जी ने की थी उस पे कायम रहेगी और आने वाले समय में फिर उन्हीं पोल प्रोमिसेस के साथ जनता के बीच में जाएगी। धन्यवाद। ये थे प्रेमव्रत सिंह जी, जिनसे हमने आपकी बात करवाई खिलचीपुर से। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं रश्मि जैन, मृदुभाषी।